लॉकडाउन के मद्देनजर सिख समाज ने अपने पवित्र पर्व खालसा साधना को गुरुद्वारा में नहीं मनाने का निर्णय लिया और घरों में ही पर्व को मनाया, जिसके तहत सोमवार को जटाशंकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से खालसा साधना पर्व के अवसर पर धर्मशाला बाजार स्थित पुलिस चौकी के सामने गरीब असहाय के लिए लंगर लगाया तथा कोरोना वॉरियर्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के निर्देश के अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिख समाज द्वारा खालसा पर्व को घरों में मनाया गया और पूजा में खर्च होने वाले धनराशि से लंगर लगाया गया तथा दिन रात एक करके गरीबों और असहायों की सेवा कर रहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, धर्मशाला पुलिस चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, धर्मशाला बाजार के पार्षद छठी लाल गुप्ता, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी और उनके सहयोगियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, ये महीना भी रहेगा, मिलना बाबू, मिलेगा क्या हो गया? मान इधर का लाइन चल रहा, चल जाने लगे हो जाएगा। मैं चाहूंगा अपने अध्यक्ष जी से कि आप एक एक शॉल प्रवीण सर से शुरू होकर एक शॉल प्रवीण सर जी को, एक शॉल धीरेन्द्र राय जी को, एक किसी का पालन करते हैं, कम से कम एक एक मीटर की दूरी बना कर ही जैसे जी एक हां हां अरे भोजन बनाने में सब सभी लिख दे जगनैन सिंह नीटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी। जैसे आज वैसाखी पर्व, हर साल वैसाखी पर्व हम लोग गुरुद्वारा जटाशंकर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार बदकिस्मती से कोरोना का महासंकट है, हम लोग गुरुद्वारे के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसे देखते हुए आज हम लोगों ने, सिख समाज ने सोचा कि हम लोग यहाँ जो डेली लंगर पुलिस के निरीक्षण में, प्रशासन के निरीक्षण में जो यहाँ डेली 22 मार्च से सुबह शाम भोजन चल रहा है 500 गरीबों को, आज उसका एक हिस्सा हम भी बन जाएं। आज वैसाखी का उत्सव हम लोगों ने इन बेसहारों के साथ मनाया है और घर घर से रोटियां बन, घर घर से रोटियां बन और यहाँ पे भोजन आज सबको कराया गया है। और साथ ही जो पुलिस, जो सिविल डिफेंस के लोग और जो हमारे यहाँ के सामाजिक लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात अपना परिवार कर ये बगैर लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को, भूखों को भोजन खिला रहे हैं, आज ऐसे सब लोग को हम लोग यहाँ सम्मानित भी किए हैं। आज यही हम लोग का प्रोग्राम था। मैं ईश्वर से यही अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, कोरोना का संकट जल्दी से जल्दी खत्म कर, दुनिया को सुरक्षित रहे, दुनिया का हर इंसान सुरक्षित रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर बोल रहा हूँ। खालसा साधना पर्व हर वर्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रांगण में मनाया जाता था, पर कोरोना के प्रकोप को देखते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ये फैसला किया है कि गुरुद्वारा जटाशंकर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हम लोग अपने घरों में रहकर पाठ पूजा करके अपना कार्यक्रम मना रहे हैं। फिर हमको पता चला है कि यहाँ पर धर्मशाला पुलिस चौकी पर पिछले कई दिनों से पुलिस श्री धीरेन्द्र राय जी चौकी इंचार्ज, प्रवीण श्रीवास्तव जी गोरखपुर के इंचार्ज साहब चौकी साहब यहाँ पर लंगर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया खालसा साधना पर्व के दिन यहाँ पर गरीबों को थोड़ा लंगर खिलाया जाए। वही हम लोगों ने आपस में मिलकर यहाँ पर लंगर खिलाया है और कोरोना फाइटर्स को प्रबंधक कमेटी की तरफ से सम्मानित भी किया गया है।